यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेमिंग वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात कर लेता हूँ WGB वेबसाइट के बारे में, जहाँ पे गाइस आप लोग COVID-19 की इंश्योरेंस ले सकते हो अपने लिए। तो गाइस रजिस्टर करने से पहले आपको यहाँ पे गाइस अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे OTP आएगा, पासवर्ड डालना है, इन्विटेशन कोड डालना है जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। फिर यहाँ पे जाके आपको सीधा लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पे गाइज आप देख पा रहे हो कितने सारे इंश्योरेंस है, जो कि सिर्फ 1500 रुपए की स्टार्टिंग हो रही है, जिसका प्रीमियम शुरू होता है भाई $21 से। $21 में गाइज आप लोग अपने लिए इंश्योरेंस ले सकते हो। तो ये गाइज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काम कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वर्ल्ड बैंक और बिल गेट्स के NGO के साथ। तो यहाँ पे गाइज आप लोग इनके टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो गाइज यहाँ आप देख पा रहे हो भाई हेल्पिंग अदर इज हेल्पिंग यूर सेल्फ, ठीक है ना गाइज। यहाँ पे देख पा रहे हो भाई मतलब ऑथराइज लेटर है इसका, मतलब ये कंपनी ऑथराइज है पूरी, ठीक है। और बैक जाके गाइज आपको ये देखो यहाँ पे पूरा रूल्स ऑफ प्ले, ठीक है गाइज, यहाँ पे आपको पूरा प्लान मिलता है कैसे कैसे गाइज आप लोग इंश्योरेंस बाय करोगे और कैसे गाइज आप लोग को फ्री में पैसा मिलेगा, ठीक है। इस ऐप में से गाइज आप लोग पैसा भी कमा सकते हो। तो आप ये गाइज सब कुछ आप पढ़ सकते हो, देख पा रहे हो सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, पूरा अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम विड्रॉल अमाउंट भी 500 रुपये गाइज, अगर आप अपने फ्रेंड को शेयर भी करते हो तो भाई एक ही फ्रेंड को शेयर करते हैं आपको 500 रुपये भी मिल जाता है, ठीक है। वो 500 रुपये आप मिनटों में अपना विड्रॉल भी कर सकते हो, ठीक है। आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ लेना गाइज, और इसको कोई भी गाइज ले सकता है। और अगर आप लोग इससे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो ना तो गाइज 500 रुपीज आपको इंस्टेंट मिलेगा। अगर आप लोग अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करते हो तो 500 रुपीज आपको इंस्टेंट फ्री में मिल जाएगा। और गाइज वो 500 रुपए आप अपने बैंक में विड्रॉल भी कर सकते हो। और ऐसे करते करते गाइज आप लोग अपनी बहुत बड़ी टीम बना सकते हो और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और इसका जो गाइज कस्टमर सपोर्ट है ना, वो भी कमाल का है गाइज। इसमें गाइज कोई भी इसमें बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है यार। जल्दी से जल्दी जाओ गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके रजिस्टर कर लो और इंश्योरेंस ले लो गाइज, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बहुत सारा पैसा कमा लो। तो लास्ट वीडियो में गाइज आप लोगों ने देखा था कि भाई जब हमारी फैमिली डगन बोस ने किडनैप किया था ना, उसके बाद डगन बोस जो है ना वो हमारी सारी फैमिली को लेकर निकल गया था। फिर उसके बाद हम जो है लेस्टर के घर पे गए थे। लेस्टर के घर पे जाने के बाद हमको पता चलता है, जो आस पड़ोस वाले बताते हैं कि लेस्टर तो ऑलरेडी किडनैप हो चुका है। उसके बाद हम उस हैकर पे पास गए थे जिसने हमारे से $200 मिलियन का स्कैम किया था। उसने जो है ना लेस्टर की लोकेशन मेरे को बताई थी। देन उसके बाद भाई यहाँ पे हम बंकर के अंदर आए थे, इतने सारे बंदे हम उन सबको मार के आए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या देखता, भाई दो लेस्टर और दोनों भाई यही दावा कर रहे हैं कि वो ही रियल है। मैं इससे बात कर रहा हूं, वो भी बोल रहा है मैं रियल हूं, इससे बात कर रहा हूं, मैं वो बोल रहा है मैं भी रियल हूं। दोनों की आवाज सेम है, दोनों दिखते भी सेम है। अभी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, अभी मेरे को क्या करना है। और ये जो दरवाजा है ना, वो भी लॉक पड़ा है। मैंने बहुत कोशिश करी इसको दरवाजे को खोलने की। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हम इसको स्टिकी बॉम्ब से भी तोड़ सकते हैं, बट इसमें एक सीन हो जाएगा, जैसे मतलब कि अगर लेस्टर के ऊपर बॉम्ब लगा या लेस्टर के ऊपर कुछ भी, मतलब ये बॉम्ब का इतना धमाका है तो लेस्टर कुछ ना हो जाए। तो लेस्टर बोल रहा है कि तुम कोई बात नहीं बॉम्ब लगाओ, तो मेरे को ना यहाँ पे अभी बॉम्ब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक बॉम्ब लगा देता हूँ, अभी थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे ना 2-4 हम बॉम्ब वगैरह लगा देते हैं ताकि ना ये ब्लास्ट हो जाए और ये दरवाज़ा जो है वो खुल जाए। अभी मैंने दोनों लेस्टर को बोल दिया कि तुम पीछे लग जाओ और मैं ब्लास्ट करने वाला हूँ। 3-2-1 भाई दरवाज़ा तो खुल गया। अभी लेस्टर सही है ना भाई? भाई बिल्कुल लेस्टर दोनों सही है। तो चलो गाइस यार, दोनों के दोनों लेस्टर जो है ना वो बिल्कुल सही है। तो चलो गाइस इनको ना एक बार बाहर निकाल लेते, दरवाजा जो है वो खुल चुका है। हम ना इन दोनों को बाहर निकाल लेते और भाई चेक करते कौन रियल है। मुझे काफी सारे कमेंट आए थे गाइस, काफी सारों ने बोला था कि ये जो जैकेट वाला है ना वो फेक है। गाइस आपको क्या लगता है, क्या पता वो फेक वाले ने इस रीजनल वाले से कपड़े पहने हो? गाइस कुछ नहीं पता, ठीक है ना। हमको पहले इनको बाहर निकालना पड़ेगा, इनसे जो लेस्टर चीज़ों में परफेक्ट है ना वो चीज़ें इनसे करवानी पड़ेगी। ये लाइट का पता नहीं गाइस यहाँ पे क्या इशू हो रहा है, लाइट आ रही है जा रही है ये पता नहीं, थोड़ा बिजली का इशू हो रहा है। तो इन दोनों को बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं भाई कौन सा रियल है कौन सा, क्योंकि देखो लेस्टर 3-4 चीज़ों में परफेक्ट है, ठीक है, वो चीज़ें इनसे करवा के देखते हैं। पहले हम लेस्टर को बाहर निकाल लेते हैं। तो चलो गाइस एक लेस्टर तो बाहर आ रहा है, भाई इसके चलने का ढंग तो सेम है, कोई बात नहीं। तो चलो लेस्टर को हम यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। चलो गाइस हमने दोनों लेस्टर को बाहर तो निकाल लिया है, दोनों यहाँ पे खड़े हो चुके हैं आके, और इनसे भाई चीज़ें करवा के देखते हैं। एक को बोलते हुए चलने का ढंग इनके, ठीक है, मुझे खड़े होने का ढंग तो भाई एक जैसा ही दिख रहा है, चलने का ढंग देखते हैं भाई इनका। हैकिंग वैकिंग करवा के देखते हैं, फाइट भी कर लेता है हमारा लेस्टर कभी कभी बीच में, फाइट भी करवा के देखते हैं। तो ये दोनों काम हमको 4-5 काम जो है ना वो करवाने पड़ेंगे,
और ट्रेवर बोल रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जो ट्रेवर है ना वो भी भाई इनको देख ही रहा है भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ट्रेवर बोल रहा है अभी कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा ना, ऐसे तो कोई बात नहीं बनने वाली। तो देखते गाइस अभी इन दोनों को हम कैसे रियल का पता लगाते, भाई दोनों के दोनों देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं। तो हम ना अभी क्या करने वाले भाई, इन दोनों लेस्टर को ना हम चेक करने वाले हैं, ठीक है, दोनों में से रियल कौन है, क्योंकि दोनों के दोनों यही दावा कर रहे हैं कि मैं रियल हूँ। तो गाइस हमको तो चेक करना पड़ेगा ना भाई रियल कौन है। तो अभी हमको क्या है, वो वाला जो दूसरा लेस्टर है ना, हम उसको बोलेंगे कि भाई तू अगर है, गाइज आप लोग को भी पता है यार लेस्टर हैकिंग में परफेक्ट है, ठीक है। तो हम उस वाले जो लेस्टर है ना उसको बोलेंगे कि भाई तू ट्रेवर के मोबाइल में से ना पैसा निकाल के दिखा, जैसे $200 मिलियन का मेरा स्कैम हुआ था, तो लेस्टर तो आराम से भाई मिनटों में कर लेगा। तो भाई मुझे पता है एक लेस्टर कर लेगा, दूसरा लेस्टर कर नहीं पाएगा, तो हमको यहीं पर पता चल जाएगा। तो हम पहले लेस्टर को भी बोलते हैं। तो कि गाइस यार जो वो मतलब शर्ट वाला लेस्टर है ना उसने शुरू कर दिया मतलब अपनी हैकिंग वैकिंग का कमाल दिखाना शुरू कर दिया। तो अभी देखते हैं गाइस ट्रेवर के अकाउंट में से जाते, ट्रेवर को मैं बोलता हूँ मोबाइल निकाल ले। तो कि गाइस यार ट्रेवर जो है ना वो अपना चेक कर रहा है मोबाइल कि भाई उसके अकाउंट में से पैसे निकले कि नहीं निकले। तो कि गाइस यार ट्रेवर बोल रहा है कि उसके अकाउंट में से पैसे निकल गए, भाई ये कैसे हो सकता है। तो अभी गाइस दूसरे फिर इसका मतलब तो ये रियल है। तो चलो गाइस इस लेस्टर को बोल के देखते हैं, ये कर नहीं पाएगा तो हम भाई इसको ऐसे की तैसी अभी के अभी मार देंगे। तो क्या सर मैंने ये दूसरे वाले लेस्टर को बोल दिया कि भाई वो मोबाइल निकाल के अभी इसको हैक करने की कोशिश करता है, देखते हैं भाई ये वाला लेस्टर इसको हैक कर पाता है या नहीं। तो क्या सर ट्रेवर ने भी अपना मोबाइल निकाल के चेक करने की कोशिश कर रहा है, तो भाई क्या हुआ, ओ भाई ट्रेवर बोल रहा है कि दोनों ने हैक कर लिया इसका अकाउंट। भाई ड्राइवर भी बिल्कुल परेशान हो रहा है, ड्राइवर बोल रहा है भाई ये दोनों ही सेम है भाई, दोनों ने हैक कर लिया अकाउंट इसका। तो भाई अभी पता है, अभी एक काम करते हैं दोनों लेस्टर को बोलते हैं चल के दिखाए भाई, क्योंकि इनके चलने का स्टाइल ही लेस्टर का अलग है। तो ये ना कम से कम वहां जो दीवार है ना वहां तक चल के वापस आएंगे, तो हमको पता चल जाएगा कौन सा लेस्टर रियल है। भाई दोनों ने ही हैक कर लिया अकाउंट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी दोनों लेस्टर को ना वो जो दीवार है ना वहां तक चल के आना है। तो चलो गाइस यार मैंने ना इनको भाई चलने के लिए बोला है, अभी देखते हैं भाई चलने में कौन सही है। भाई चलने का ढंग भी दोनों का सेम लग रहा है मेरे को। एक मिनट यार, ये ट्रेवर इनके साथ चल के देख रहा है भाई, उसको भी थोड़ा सा डाउट सा फील हो रहा था, इसलिए ट्रेवर बोल रहा है ना मैं इनके साथ जाके देख के आऊँगा, ठीक है। तो ये इनको घूम के आने दो, देन उसके बाद ना हम देखते हैं भाई ये घूम के जब आएंगे ना तब हमको थोड़ा सा शक सा ऐसा मेरे को लग रहा है कि भाई वो मेरे को थोड़ा सा ना, पर नहीं यार दोनों का चलने का ढंग सेम है भाई, दोनों का चलने का बिल्कुल ढंग सही है भाई, कोई इनमें दिक्कत नहीं है। तो क्या गाइस यार इनको ना अभी क्या करते हैं मतलब फाइट करवाते हैं। तो आपको पता है कि लेस्टर थोड़ा मोटा फाइट में भी परफेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अभी लेस्टर को ना बैट पकड़ाते हैं, तो देखते हैं भाई लेस्टर क्या करता है। भाई यार तू क्या कर रहा है भाई, फोटो वोटो ले रहा है। तो अभी क्या करते हैं ना गाइस, इन दोनों को ना मतलब फाइट करवाते हैं, इन दोनों से देखते हैं भाई फाइट में कौन परफेक्ट है। तो अभी मैं इन दोनों को बैट पकड़ाता हूँ, बेसबॉल बैट। तो क्या सर जो ट्रेवर है ना वो बोल रहा है मेरे को थोड़ा सा काम है, तुम जब तक इनको देखो मैं वहां पे खड़ा तुम्हारा वेट कर रहा हूं। तो चलो गाइस यार ट्रेवर चला गया, तो भाई इन दोनों को बोल देते हैं तुम दो लड़ो, चलो लड़ो, चलो एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया भाई इन दोनों ने। चलो गाइस अभी देखते हैं भाई ये क्या, ओ भाई दोनों का ढंग सेम है लड़ने का भाई, ये भी समझ में नहीं आ रहा कैसे। ओ भाई साहब ये भाई सेम तो लड़ रहे हैं एकदम से भाई, बिल्कुल सेम लड़ रहे हैं। तो क्या सर इनको लड़ते लड़ते भाई काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। मेरे को ना गाइस एक फोन आया, तो मैंने एक बार फोन पे बात भी करनी है, मेरे को किसी का फोन बार बार आ रहा है। तो मैं ना पहले रियल और फेक लेस्टर में फर्क निकाल रहा हूँ, बट यार गाइस ये देखो भाई दोनों का लड़ने का ढंग भी सेम है। तो भाई ये क्या कर रहा है बंदा, भाई उन दोनों के लग रही है तो दोनों पागल हुए पड़े हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई। तो चलो गाइस मेरे को ना एक फोन आया, मैं फोन पे बात कर लेता हूँ। तो चलो गाइस यार ये लड़ रहे हैं भाई, मेरे को ना किसी का फोन आया तो मैं फोन पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। मैं फोन पे गाइस बात कर लेता हूँ, भाई किसका फोन आया एकदम से, मेरे को कौन फोन कर रहा है। ओए भाई, तो भाई एकदम से इसने मेरे बैट मारा। ओ भाई मेरे को एकदम से क्या हो गया, और भाई एकदम से मेरे को ऐसा क्या हो गया भाई, पूरा पूरा ब्लैक हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया पूरा। तो भाई एकदम से मेरे को लेस्टर ने जब मारा उसके बाद मैं बेहोश सा हो गया, और उसके बाद मैं यह कहां पे आ गया भाई, ये क्या जगह है। ओ भाई ये कौन सी जगह, एक मिनट यार मेरे को खड़ा होना पड़ेगा, और एक टॉर्च पड़ी है मेरे सामने। तो भाई मेरे को एकदम से खड़ा हो गया, यहाँ पे टॉर्च लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद मैं बाहर जाके देखता हूँ। मुझे लग रहा है ना ये मुझे कहाँ पे इन्होंने बंद किया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी जगह है भाई। तो चलो गाइस यार मैं जैसे तैसे करके खड़ा तो हो गया भाई, मेरे सर पे इतनी जोर से लगी, अभी ये टॉर्च उठाता हूँ। तो चलो गाइस टॉर्च हमको मिल चुकी है, और भाई साहब मैं कौन सी जगह में बंद हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और मुझे लग रहा है ना पक्का बाहर बंदे होंगे। पहले मेरे को टॉर्च बंद करके बाहर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अबे भाई बाहर बंदे हैं, एक सेकंड, कुछ भाई बहुत सारे बंदे हैं। एक मिनट, इन्होंने मेरे को देखा तो नहीं है भाई। टॉर्च ना चल जाए गलती से, मुझे कुछ ना कुछ तो आइटम लगानी पड़ेगी।
थोड़ा सा ना भाई बच के जाता हूँ, एक मिनट थोड़ा बच के जाता हूँ, इसके सर पे मारता हूँ पहले। ओ नहीं 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 तेरी ऐसी जैसी। ओ भाई 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 भाई, ये तो हमने आर्मर पहन रखा है भाई, तभी बच गए। एक सेकंड, तुम्हारी ऐसी जैसी, निकल यहाँ से अभी। मुझे भाई बच के थोड़ा जाना पड़ेगा, एक सेकंड कोई और है तो नहीं। तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकल 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 निकल। चलो गाइस तीनों को मार दिया हमने, इन तीनों को। और आगे देखते हैं भाई, कहाँ पे बंद कर दिया मेरे को। ओ तेरी, एक सेकंड निकल यहाँ से पहले तो तू। भाई ये मर ही नहीं रहे। एक सेकंड, मेरे पास फिर से गन जो है ना वो खत्म हो चुकी है। भागता हुआ जाता हूँ, इसकी उठाता हूँ गन। चलो 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 चलो, इसकी गन उठा ली है मैंने, इसकी भी गन उठा ली है, इसकी भी गन उठा ली है। चल तेरे मत्थे पे, पहले इनके मत्थे मत्थे पे मारता हुआ चलते हैं भाई। गन्स इधर इधर क्या है? एक सेकेंड, इधर कोई बंदा नहीं है, ठीक है। मुझे थोड़ा बच के जाना पड़ेगा, बाहर निकलना तो पड़ेगा, मुझे थोड़ा देख देख के जाना पड़ेगा। इधर तो कोई बंदा नहीं है, इधर ना तो रास्ता भी नहीं है। पहले इधर मेरे को जो बंदे बैठे हैं ना उनको टपकाना पड़ेगा, जो यहाँ पे खड़े थे अभी। तेरी ऐसी तैसी। ओए भाई 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 भाई, ओए ओए भाई, यहाँ पे छुपके छुपके मारना पड़ेगा मेरे को। तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो यहाँ से भाई। मुझे ना गन्स थोड़ी कम, गोलियाँ थोड़ी कम यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास गन्स नहीं है। और चलो गाइस इनकी मैं गन उठाता जा रहा हूँ। एक सेकंड सेकंड, एक अंदर भी देख लेते हैं, कोई भी नहीं है भाई। ये बाहर जाने का रास्ता कहाँ पे, इन्होंने मेरे को बंद कहाँ पे कर दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो चलो गाइस मैं मारता मारता काफ़ी ज़्यादा आगे तक निकल चुका हूँ। तेरी ऐसी की तैसी, निकल 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 भाई, गन्स नहीं है ऊपर से। ओए चल, मुझे अभी थोड़ा सा ध्यान से जाना पड़ेगा, बाहर तो मुझे निकलना है पर मुझे थोड़ा सा ध्यान से जाना पड़ेगा। इसके अंदर कोई है? ओ ये रहे भाई, ये रहे। तेरी ऐसी की तैसी, निकल 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 निकल। अभी यहाँ पे कोई है तो नहीं? और एक फोन पड़ा है भाई, मुझे ड्राइवर को फोन करके पूछना पड़ेगा वहां पे ऐसा क्या हुआ है। पहले मुझे एक बार यहां से मैं बाहर निकल जाऊं, मैं पता नहीं कहां पे बंद हूं। और ये क्या हूं? ये कौन सा रास्ता है? ओ भाई ये क्या भाई साहब, एकदम से डर गया मैं। चलो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बंदे कहीं मार रहे हैं मेरे को। एक सेकंड, तेरी ऐसी की तैसी, निकल। नीचे खड़ा था ना, निकल यहाँ से। चलो गाइस इसके अंदर, टॉयलेट के अंदर भी एक बार चेक कर लेते, कोई बंदा तो नहीं है। चलो गाइस कोई बंदा नहीं है यहाँ पे तो चलो भाई साहब अभी आगे थोड़ा सा चलते हैं। और ओए ओए ओए, इनका आ गया। ओ तेरी भाई भाई, एकदम से डरा दिया इसने। ओ भाई भाई भाई, 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 भाई। अबे रीलोड तो करने दे, ये देखो कहाँ पे छुपा हुआ है। एक सेकंड, चल तू भी निकल। चलो गाइस यार मैं यहाँ से सारे रूम भी चेक करता जा रहा हूँ, ठीक है। और ये इसके अंदर एक बार देख लेते हैं, चलो इसके अंदर भी कोई नहीं है। तो चलो भाई साहब इनको ना हम मारते मारते काफी ज्यादा दूर। अबे भाई एक ही यहाँ पर। ओ भाई एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ओ भाई चलो चलो चलो, इसके अंदर कोई है? एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा, नहीं इसके अंदर तो कोई नहीं है। एक सेकंड, कौन मार रहा? तेरी ऐसी की तैसी भाई, एकदम से सामने आ गया भाई, पता ही नहीं चला एकदम से सामने आ गया। और ये क्या गिरा? तेरी ऐसी की तैसी, निकल। अभी मेरे को बाहर जाने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं कहाँ पे आ गया हूँ, कहाँ कौन सी बेसमेंट में से आ गया हूँ। ये यहाँ पे तो हम आ गए थे, यहाँ पे सारे बंदे हमने मार दिए। तो चलो पहले सीधा नीचे चलते हैं, अभी धीरे 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 ना यहाँ से निकलते हैं। ओ तेरी, चल निकल यहाँ से भाई। छुप के बैठा है, देख देख देख। तेरी ऐसी की तैसी, कैसे छुप के बैठा हुआ था? चलो 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 यहाँ से अभी हम बचते बचाते भाई बाहर तो आ चुके हैं। चल तेरी ऐसी की तैसी, निकल निकल निकल। ओए 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 भाई, मार रहा भाई, अभी तक नहीं मरा। तेरी ऐसी की तैसी, निकल तू भी निकल। हेडशॉट में तो एक ही बजाऊंगा, पर इनके हेडशॉट में बजा नहीं रहा हूँ इन पे। यहाँ पे खड़ा होकर क्या कर रहा है? निकल यहाँ से। चलो गाइस यार, ये ओ भाई बच गया। तेरी ऐसी की तैसी, ये कहाँ पे खड़ा हुआ था? इधर और तो कोई नहीं है भाई, खून कैसे आ रखा है? चलना निकल कहाँ पे भाई, ये तो पागल था भाई, ये खून कैसे आया इसके अंदर से? क्या कर रहा था ये यहाँ पे? एक सेकेंड देखू मैं जरा। ओ भाई क्या कर क्या रहे हैं भाई यहाँ पे, कितना गलत सीन कर रखा है इन्होंने तो भाई। मुझे यहाँ से बस बाहर निकलना है, मुझे बहुत गंदे एरिया में फंसा दिया इन्होंने। एक सेकेंड, ये वाले रूम में कुछ है? चलो भाई, ओ तेरी भाई साहब, क्या ही सीन कर दिया इन्होंने। एक मिनट, इधर भी कोई नहीं है, मार दिया हमने।
चलो अभी तो नीचे उतरते हैं। ओ भाई 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 भाई, 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 भाई एक सेकंड भाई, सब नीचे उतरने दो, ऐसे बात नहीं बनने वाली। तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को क्या लगता है दरवाजे के पीछे छुप के मारेगा मेरे को? एक सेकंड गन रीलोड कर लेते हैं, बाहर जाना है हमको। M249 है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। भाई ये कौन सा दरवाज़ा लॉक पड़ा है और मुझे यहाँ से बाहर को निकलना है? तो चलो गाइस, हमने काफ़ी बंदों को ऐसे ही मार दिया है। अभी एक मिनट यहाँ पे चेक कर लूँ। नहीं नहीं यहाँ पे भी एक बंदा था, वो हमने मार ही दिया है। और मुझे ना यहाँ पे ना थोड़ा सा छुप कर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है। तेरी ऐसी तैसी, निकल 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 भाई 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 भाई, चल 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 चल, मर 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 भाई, मर नहीं रहा अभी, मरा जाके। ओह पीछे से कौन मार रहा है? अभी किसी ने मारा तो था, कोई इसके अंदर तो नहीं है? भाई साहब जी हम बचते बचाते जा रहे हैं भाई, कितनी हंटर सी एरिया है ना भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी बैक ऑफ। एक सेकंड, ए नो भाई तेरी, ओ तेरी तेरी तेरी, पीछे से पीछे से पीछे से मार रहा है। इसको आर्मर नहीं पता ना, हमने लिबर्टी सिटी से आर्मर खरीद रखा है। यही तो तुम्हारे बंदे ने गलती कर दी, जो फेक लेसर बन के जिसने मेरे को यहाँ पे फेंका हुआ था। एक सेकंड मुझे और ढूंढना पड़ेगा, कोई और है और बाहर जाने का रास्ता? ओ भाई, ओ तेरी 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 तेरी, चल 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 चल, मरने का तो नाम ही नहीं ले रहे। और पीछे कौन है? चलो भाई इसको भी मार दिया। भाई ये मुझे लग रहा है यही वाला दरवाजा तो नहीं खुलने वाला, पर एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा। नहीं भाई ये तो दरवाजा ही बंद पड़ा है भाई, कहाँ पे लॉक कर दिया इन्होंने मेरे को, दरवाजा नहीं मिल रहा। एक सेकंड आगे जाके देखता हूँ, अभी मुझे लग रहा है यही रास्ता तो नहीं है बाहर जाने का। एक सेकंड, ओ भाई बाहर जाने का रास्ता, भाई बाहर जाने का रास्ता मिला। भाई साहब कहाँ पे मेरे को बंद कर दिया था, और ये रहा एक बंदा। तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को भी मार के जाऊंगा, टेंशन मत ले, चल चल निकल यहाँ से। चलो गाइस मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ से बाहर निकल गया, और कितना ज्यादा मुश्किल से बाहर निकले भाई, कौन सी जगह है, कहाँ पे बंद कर दिया था मेरे को। तो चलो गाइस यार यहाँ से निकलता हूँ, किसी की गाड़ी वाड़ी चोरी करते हैं। और भाई मेरे को ना किसी का फ़ोन भी चोरी करना पड़ेगा ताकि मैं ड्राइवर को कॉल कर सकूँ कि क्या हुआ है। चल पहले तो तू बाहर निकल और मेरे को ना एक फ़ोन दे के जा। तेरी ऐसी की ऐसी, भाई 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 भाई, भाई साहब जी भाग कहाँ रहे, तुम भी निकलो यहाँ से, फ़ोन दे के जा अंकल जी, फ़ोन दे के जा मेरे को। तो चलो गाइस यार वो बंदे ने मेरे को फ़ोन दे दिया, अभी उसके फ़ोन से ना मैं ड्राइवर को जल्दी जल्दी कॉल कर लेता हूँ अभी। तो क्या सर मेरी जो है ना भाई वो ड्राइवर से बात हो चुकी है। ड्राइवर मेरे को बोल रहा है कि ड्राइवर ने क्या किया, जो वो दो लेस्टर थे ना उनमें से एक जो फेक लेस्टर था ना जिसने मेरे को मारा था, तो जो फेक लेस्टर था ना उसने क्या किया, वो रियल वाले लेस्टर को भी उसने एक मत्थे पे बैट बजा दिया। देन उसके बाद ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर ने उस वाले जो फेक लेस्टर था उसको मार ही दिया वहाँ पे। उसके पास एक गन थी, उसने उसके मुंह पे हेडशॉट, मत्थे पे हेडशॉट मारा, उसको इतना मारा उसको पक्का ही वहाँ पे खत्म कर दिया। जो रियल लेस्टर था ना वो उसको अपनी गाड़ी में उठा के वो एक ना हॉस्पिटल में लेके गया। तो मेरे को ना अभी ड्राइवर बोल रहा है तुम हॉस्पिटल में आ जाओ और वहां पे जाके एक बार ना तुम आके एक बार लेस्टर से मिल लो। तो चलो गाइस अभी मैं जल्दी हॉस्पिटल की तरफ निकल रहा हूँ। हॉस्पिटल पे जाके पहले एक बार लेस्टर को मिल लेते हैं, लेस्टर को देख लेते हैं भाई लेस्टर ठीक है या नहीं। मतलब अभी डॉक्टर तो वो मतलब ड्राइवर तो बोल रहा है कि डॉक्टर जो है ना वो उसका इलाज तो कर रहे हैं, बाकी लेस्टर को थोड़ी सी गंभीर चोट आई है, उसके सर पे चोट आई है। भाई यार बस लेस्टर के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि यार लेस्टर जो है ना वो लेस्टर का दिमाग इतना चलता है और उस बंदे ने दिमाग पे ही उसके मतलब इतना जोर से बैट बजाया। तो यार मेरे को अभी इसी बात का टेंशन हो रहा है अभी। चलो यार मैं पहले सबसे पहले पिलबॉक्स हॉस्पिटल में चलता हूँ, वहाँ पे लेस्टर एडमिट है और वहाँ पे लेस्टर की जाके यार हालचाल पूछाते हैं। देन उसके बाद चलते हैं भाई जो वो फेक लेस्टर है ना वहाँ पे चलते हैं भाई, मुझे लग रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ क्लू मेरे को मिल सकता है। फेक लेस्टर को देख के आते हैं भाई, उसके बाद ना भाई इस मतलब ये लेस्टर को मिलके ना वहाँ पे दोबारा चलेंगे, ठीक है, उस बेसमेंट में दोबारा चलेंगे। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे फेक लेस्टर का जो सीन हुआ है ना वो किसी ने करवाया, और मुझे ना वो पूरा चेक करनी पड़ेगी बेसमेंट, और मेरे को इसके बाद वो वहाँ पे जाना है, ठीक है। पहले मैं जल्दी हॉस्पिटल में तो आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने हॉस्पिटल की साइड। तो हॉस्पिटल में जाके ना पहले जल्दी जल्दी अपन जो है लेस्टर से मिल लेते हैं कि लेस्टर बिल्कुल सही है या नहीं। तो क्या सर मैं अपनी गाड़ी भगाता भगाता पहुंच चुका हूँ पिलबॉक्स हॉस्पिटल में, और यहाँ पे भाई मेरे को ट्रेवर ने मिलने के लिए बुलाया था। ये देखो गाइस ये खड़ा ट्रेवर। तो चलो गाइस एक बार ट्रेवर से भी बात कर लेते हैं, और भाई जो लेस्टर के हालत हो चुके हैं वो भी उससे पूछ लेते हैं यार, अपना आराम से सिगरेट विगरेट पी रहा है यार ट्रेवर। तो क्या गाइस यार मेरी जो है ना भाई वो ट्रेवर से बात हो चुकी है। ट्रेवर मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पे एक ना अंदर घुसने के लिए एक पास मिलता है, तो हम दो बंदे नहीं जा सकते, हम एक ही बंदा जा सकता है। तो तुम ना एक काम करो तुम अंदर चले जाओ, ठीक है। तो चलो ठीक है गाइस मैं अभी ना पहले ड्राइवर को मिलाता हूँ, सॉरी लेस्टर को मिलाता हूँ। यहाँ पे वार्ड नंबर बी में मेरे को बताया गया था, और यहाँ पे डॉक्टर वॉक्टर खड़े पता नहीं क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे वार्ड नंबर बी में घुस के
तो चलो गाइस यार, मेरे को ना वार्ड नंबर ए में जाना है, मैं गलत घुस गया था। और वार्ड नंबर ए में जाके ना, यहाँ पे गाइस ये वाला जो रूम है ना, यहाँ पे लेस्टर को डॉक्टर देख रहा है। भाई ये देखो लेस्टर, ये रहा। और चलो गाइस एक बार लेस्टर को देख लेते। भाई लेस्टर की हालत बहुत बुरी है। जो डॉक्टर है ना वो बोल रहा है भाई इसके सर पे बहुत ज्यादा जोर से चोट लगी है, इसको कोमा में जाने के भी चांसेस हो सकते हैं। भाई अगर लेस्टर ऐसा कुछ चला गया ना कोमा में तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ये बोल रहा है कि अभी थोड़ा सा हमको टाइम दो, थोड़ा सा आप अपना जाओ यहाँ से, हम जो है वो इसका देखभाल करेंगे बिल्कुल। तो चलो गाइस हम ना पहले यहाँ से चलते हैं। और जो वो फेक लेस्टर है ना जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है, भाई पहले उसकी जांच पड़ताल करके आते हैं। और वो वाले जो बंकर है ना वहाँ पे हमको दोबारा से जाना पड़ेगा। तो चलो गाइस अभी ना मेरे को ना यहाँ पे गाड़ी चोरी करनी पड़ेगी इन हॉस्पिटल में से भी, इनको भी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे ना गाइस एक मतलब पार्किंग वार्किंग है, पहले मैं पार्किंग में चलता हूँ, किसी की गाड़ी खड़ी होगी ना वो ही चोरी करते हैं। तो चलो गाइस यार एलिवेटर से ना मैं बिल्कुल नीचे की तरफ पहुँच चुका हूँ और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एलिवेटर से। और गाइस यार एम्बुलेंस गराज करके कुछ है, और गाइस कितनी तगड़ी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, और ड्राइवर भी उसके साथ में खड़ा है। भाई चलो गाइस यार ये जी वैगन लेकर निकलते हैं यहाँ से। भाई जी वैगन कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, और चल इसको तोड़ भाई इसको जी वैगन को। चलो यार गाइस चल ड्राइवर जल्दी जल्दी बैठ जी वैगन में, जल्दी जल्दी बैठ। यहाँ पे हॉस्पिटल वालों की ये वाली गाड़ी चोरी कर ली हमने। तो चलो गाइस ये गैराज से बाहर निकलते हैं और जल्दी जल्दी निकलते हैं। भाई वो जो बंकर है ना वहाँ पे, मुझे लग रहा है ना वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको मुझको लग रहा है ना वहाँ पे हमको कुछ ना कुछ ऐसा मिलने वाला है। तो चलो गाइस मैं अपनी गाड़ी भगाता भगाता जल्दी जल्दी निकलता हूँ भाई वो बंकर की साइड। तो ओके गाइस यार मैं अपनी गाड़ी भगाता भगाता भाई काफ़ी ज़्यादा दूर तक आ चुका हूँ। और यहाँ पे ना गाइस मेरे को ना अभी थोड़ा सा दूर जाना, और वहाँ पे जाके ना बंकर में दोबारा से पहुँचेंगे। मैं बंकर पे गाइस दोबारा से इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि वहाँ पे मेरे को कोई ना कोई ऐसा क्लू मिल सकता है भी फेक लेस्टर किसका मतलब कौन किसने बनाया। भाई अगर आज फेक लेस्टर किसी ने बनाया, कल को गाइस अगर फेक माइकल बन गया, फेक ट्रेवर बन गया, अगर फेक फ्रैंकलिन बन गया, भाई हमारे घर पे ही आके कोई हमको ऐसे मार गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना। तो मेरे को इस चीज़ का पता लगाना है कि फेक लेस्टर आया कहाँ से। ठीक है वहाँ पे हम ट्रेवर ने लेस्टर को तो मार दिया, ठीक है, बट गाइज अभी तक वो पता नहीं है कि फेक लेस्टर का सीन क्या। अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा ना तो मैं उसकी पूरी बॉडी को चेक करने वाला हूँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो पाया ना उसकी बॉडी को घर पे लेके आऊँगा, हॉस्पिटल में दूंगा भाई, या फिर कोई अच्छे से किसी जान पहचान वाले डॉक्टर में दूंगा, या कहीं ना कहीं भी उसकी बॉडी देंगे जो हमको बता पाए भी भाई ये कैसे लेस्टर सेम टू सेम इसके जैसा बना, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जो सेम टू सेम ऐसा सेम टू सेम दिखने वाला बंदा बना दिया भाई जिसने। तो चलो गाइस हम जल्दी जल्दी पहले वहाँ पे पहुँचते हैं। ऐसी चीज़ें भाई मेरे को देखने थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें फेक लेस्टर वाली चीज़ हो रही है, कल को अगर फेक ट्रेवर बन के कोई आ गया तो भाई मेरे को तो पता भी नहीं चलेगा, वो तो मेरे को सोए पड़े कोई मार देगा, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अभी। तो चलो गाइस मैं अभी जल्दी जल्दी निकलता हूँ वही बंकर के पास, वहाँ पे जाके लेस्टर को ढूंढ लेते हैं। अबे यार ये गाड़ी कैसे चल रही है भाई, एक तो ये जी वैगन ना मेरे को गाड़ी वैसे वही सही चलती है बट ये ना थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है आज, पता नहीं क्यों। इसको भी रिपेयर करवाएंगे बैनी के पास, वो थोड़े से काम बाद में करवा लेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जाना है। तो ओके गाइस मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी भगाता भगाता आ चुका हूँ, ऐसे सारे कंटेनर पड़े हैं, ये अच्छा यही वाली है। तो चलो गाइस मैं अपनी यहाँ पे जी वैगन लगाता हूँ और जल्दी जल्दी अंदर निकलते हैं। तो चलो गाइस यार ट्रैवल जो बोल रहा है ना वो बोल रहा है कि तुम गाड़ी से ही अंदर जाओ। तो चलो गाइस हम गाड़ी से अंदर, चलो गाइस हम गाड़ी से अंदर तो आ चुके हैं। अभी मेरे को ना पहले फेक लेस्टर की बॉडी चाहिए जिस हालत में मर्जी। तो चलो गाइस मैं अपनी गाड़ी भगाता भगाता आ चुका हूँ अंदर। और भाई यहाँ पे एक सेकंड ओए ये तो डगर बोस रेल रुपया। ओ भाई 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 भाग 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 ओए ओए नहीं 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 भाई भाई ओ तेरी ओ भाई 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 एक सेकंड भाई ये तो डगर बोस और एल रुपया दोनों अंदर कैसे आ गए भाई। फेक लेस्टर की बॉडी के पास दोनों खड़े थे। ओपे चलना चलना यहाँ से निकल भाई, ये क्या सीन हुआ। एक सेकंड ये तो नहीं आ रहे पीछे, एक मिनट बिल्कुल चेक करना पड़ेगा, ये तो नहीं आ रहे पीछे भाई वो गन। ओए ओए बाइक में चढ़ के आ गए। तो चलो गाइस भाई ये एल रूबी और डगन बोस ने भाई हमको देख लिया भाई, अभी तो सीन गलत ही होने वाला है अभी मुझे लग रहा है। और भाई वो आ रहे पीछे दोनों के दोनों, तेरी ऐसी की तैसी भाई, अभी तो दिक्कत होने वाली है, अभी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। और भाई ड्राइवर भी अपना आराम से गोली गोली चला रहा है, भाई मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो चलो गाइस अभी ना पहले यहाँ से निकलते हैं। और भाई मुझे लग रहा ना आज मैं इनको ख़त्म भी कर सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो भाई इनको ख़त्म कर सकता हूँ, बट भाई अभी इनको इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करना क्योंकि मेरी अभी जो फैमिली है ना वो उसका कुछ नहीं पता वो कहाँ पे है। चलो गाइस मैं अपनी गाड़ी भगाता भगाता काफ़ी दूर तक आ चुका हूँ। और भाई ये दोनों लगे पड़े हैं यहाँ पे, और भाई यहाँ पे ड्राइवर जो है ना वो ड्राइवर भी मार रहा है तेरी। ओए ओए भाई 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 पुलिस वालों के साथ पंगा ले लिया अलग से। और भाई भाई मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई एकदम से, ये कहाँ से पीछे दोनों लग गए, हमारे दोनों पीछे लगे पड़े हैं भाई। तो चलो गाइस मैं अपनी गाड़ी भगाता भगाता भाई काफ़ी ज़्यादा दूर तक आ चुका हूँ। और ये गाइस एकदम से लगातार मेरे को मारते ही जा रहे हैं। और भाई मेरी गाड़ी जो है ना वो संभल नहीं रही है, और इनकी ऐसी की तैसी
भाई इनको अभी तो कुछ करना पड़ेगा भाई, नहीं तो ड्राइवर कुछ भी भाई, ड्राइवर कुछ ना कुछ तेरे को ही करना पड़ेगा। ड्राइवर कुछ भाई तू दूसरी गाड़ी वाड़ी ले और इनको कुचलते हैं भाई, जैसे तैसे मर्जी हो सके ना इनको कुचलते हैं। तो चलो गाइस मैं अपनी गाड़ी भगाता भगाता भाई काफी ज्यादा दूर गाचू और ये गाइस एकदम से लगातार मेरे को मारते ही जा रहे हैं और भाई एकदम से ड्राइवर भी लगा हुआ है इनको मारने के लिए। तो भाई मेरे को कुछ ना कुछ अभी सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अभी मेरी गाड़ी फिर से गई, ओए 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 भाई ये कैसे पीछे लगे पड़े हमारे, तेरी ऐसी की तैसी निकल जाओ से भाई। उसको इतना ऊंचा उठाया और बंदा गिरा भी नहीं है भाई। तो चलो गाइस यार ये कब से भाई हमको मार दी जा रहे हैं भाई, ये दोनों लगे पड़े हैं एलरूबी और डगर बॉस। गाइस देख रहे हो कैसे मेरे को दोनों को मारने पे लगे पड़े हैं। और भाई मेरे को ना यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, इस गाड़ी को रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ना ड्राइवर मेरे को बोल रहा है कि भाई अभी मेरे पास कोई आइडिया है। ड्राइवर के पास देखते कौन सा आइडिया है अभी ना, मेरे को यहाँ पे ड्राइवर का थोड़ा साथ देना पड़ेगा। ड्राइवर ने किसी की गाड़ी चोरी करी है? अबे तेरी ऐसी की ऐसी निकलना यहाँ से भाई। ड्राइवर ने किसी की गाड़ी क्यों चोरी करी? तो चलो गाइस सर यहाँ पे ना भाई, ओए ओए मेरी गाड़ी को आग लगा दी, ओए 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 क्या कर रहे हो भाई 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 भाई, ओए तेरी भाई गाड़ी को, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गाड़ी को आग लगे कोई दिक्कत नहीं है भाई भाई, एकदम से संभाल नहीं दे रहे तेरी ऐसी की ऐसी। इसको एल रूबे को ना मैं बताता हूँ, दूर से भगा के आता हूँ भाई, इसको नीचे ही दे देता हूँ भाई। गाड़ी में आग लग चुकी है कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ी सी बुझ चुकी है गाड़ी। क्यों तेरी डगन बॉस तू गया आज भाई, तेरी डगन बॉस ये गया डगन बॉस भाई, मरा कि नहीं ये एल रूबे तू भी गया तेरी, चल यहाँ से निकल भाई, बच गया एल रूबे बच गया भाई, इनको छोड़ना नहीं है हमको तेरी, ओए अच्छी की तैसी। चल भाई ड्राइवर और हम दोनों के लगे पड़े भाई 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 भाई, भाई गाड़ी गाड़ी ओए 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 भाई भाई गाड़ी सीधी होने दे। अबे अबे ये ड्राइवर ने क्या कर दिया भाई, ड्राइवर ने और उल्टा दी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक बार गाड़ी को सीधी होने दे और टायर से पेट्रोल निकलने लग गया। एक सेकेंड भाई फिर से गाड़ी में आग लग गई है यार, इनको बताना पड़ेगा। अब ऐसे बात नहीं बनने वाली भाई, इन दोनों को मारना पड़ेगा भाई। टक्कर मुस्ती रही है कि तेजी तेरे को आ गए, ओए ओ भाई साहब गाड़ी को तो ये पूरा नचवा रहे हैं तेरी ऐसी की, पेट्रोल देख रहे हो भाई कैसे लीक हो रहा है। ओपे ओए ओए भाई साहब भाई, एक बार निकलने दे तेरे को तो मैं बताता हूँ। ओ भाई साहब निकल थोड़ा सा यहाँ से दूर जाता हूँ और उसके बाद ना गाड़ी चेंज करके आता हूँ क्योंकि आग लगी पड़ी है भाई इस गाड़ी में। तो चलो गाइस ये वाली गाड़ी लेते हैं भाई, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो इनको छोड़ूंगा नहीं, ये वाली गाड़ी लेता हूँ। अबे यार पागल कहीं का, ओ तेरी गाड़ी में आग लग चुकी है, अबे तेरी भाई साहब सब मेरी कोई मारने पे लगे पड़े हैं। कोई बात नहीं ये किसकी गाड़ी रुकी है ना, ये वाली गाड़ी लेता हूँ। चल ये वाली गाड़ी दे उसको, अभी टक्कर बस तेरे को जो छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, आ रहा हूँ भाई रुक जा भाई। एकदम से ये ड्राइवर को पूरा नचवा रहे हैं वहाँ पे, ओ देखो भाई पूरा ड्राइवर नाच इनके इशारों पे नाच रहा है तेरी ऐसी की तैसी। टक्कर बस तू तो गया, चल ऐसी तेरी, ओ भाई कुछ हुआ टक्कर भाई, टक्कर बस कैसा आदमी है, इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा। चलो गाइस हमने इनको दोनों को दे दिया नीचे और भाई मुझे नहीं लग रहा भाई मैं संभाल नहीं पाऊंगा, इनके पास गाड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक, इनके पास गन बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे नहीं लग रहा मैं संभाल पाऊंगा। और टक्कर बॉस को मैंने नीचे दे दिया है, बट टक्कर बॉस फिर से खड़ा हो गया। ओ भाई भाई देखो गाइस पूरा ड्राइवर को और मेरे को नचवा रहे हैं पूरा, तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई, अभी ना इनको छोड़ना नहीं है। ये रहा टक्कर बॉस तेरी, टक्कर बॉस ऐसी की तैसी, ओए 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 भाई, ओ ये भाई साहब बहुत ज्यादा बुरा गेम हो रहा है भाई, यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या है हमको। और ये कौन कौन सी डगन बॉस तेरी भाई साहब ऐसी की तैसी, मुझे लग रहा ना डगन बॉस मर गया होगा, बट नहीं यार भाई मर ही नहीं रहा ये बंदा, कितना मारा मैंने इसको भाई साहब, कैसे नचवा रहे हैं हमको भाई यार। भाई ये डगन बॉस किस मिट्टी का बना, ये मरता क्यों नहीं है, मुझे लग रहा मर गया भाई, ये तो मरने पे नहीं आ रहा भाई, ये पता नहीं किस चीज के बने, अभी इनको तो बताना पड़ेगा, अभी इनको बताना पड़ेगा। अबे यार ये ड्राइवर क्या कर रहा है भाई, अकल नहीं है तेरे को, तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो 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 यहाँ से, इनको भगाओ इनको भाई, बैठ 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 गाड़ी में बैठ, ड्राइवर जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ, इनका पीछा तो करेंगे भाई हम ना, इनको छोड़ेंगे नहीं। अबे ये आगे भाग रहे भाई, रुको रुको रुको, अभी इसको भागने नहीं देना भाई, कितनी तेज से भागा, अब हमने वार शुरू करना शुरू कर दिया तो अब ये भाग रहे हैं। एक सेकंड ये रहा टक्कर बॉस तेरी ऐसी की तैसी, ओए ओए ओ भाई भाग कहाँ रहा है तेरी, रुक जा भाग कहाँ रहा है, वो एल रूबे भाग रहा है तेरी ऐसी की तैसी, रुक 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 रुक, वो एल रूबे को तो मैं पकड़ता हूँ, ड्राइवर इसको संभालेगा, एल रूबे को मैं पकड़ता हूँ, रुक जा एल रूबे कहाँ जा रहा है तेरी ऐसी की तैसी, आ बेटा बाहर आ भाई, सब दोनों कैसे भाग रहे तेरी इनकी ऐसी की तैसी, इनको तो छोड़ना नहीं है भाई, अब तो जो मर्जी हो जाए इनको छोड़ना नहीं है। एक सेकेंड ये यहाँ से निकले ना, अबे यार ये ड्राइवर क्या कर रहा है भाई, ड्राइवर अलग ही नशे में है, कोई दिक्कत नहीं है भाई ड्राइवर को अलग चलाने दो, वो जा रहे हैं भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी,
उन्होंने भाई दुखी कर रखा है हमको, इन्होंने इतना दुखी कर रखा हुआ है ना। ओ भाई साहब ड्राइवर की गाड़ी फाड़ दी इन्होंने, तो कैसे ड्राइवर मुझे लग रहा है अब अच्छा दूसरी गाड़ी दूसरी लेके आ गया ड्राइवर, ड्राइवर को कहीं पे गाड़ी मिल गई थी वो वहां से लेके आ गया। इनको बताना पड़ेगा इनको कहां भाग रहा है बेटा, अभी तो रुक भाई मेरी गाड़ी में दिक्कत आ रही है भाई, गाड़ी चलने में प्रॉब्लम दे रही है और भाई ये मुझे लग रहा ना कहीं निकल गए भाई इसी चीज का फायदा उठा के ना, ये दोनों कहीं और ही निकल गए भाई, अब दिख भी नहीं रहा मेरे को कोई, गाड़ी में दिक्कत आ गई थी तो गाड़ी कहीं और ही लेके निकल गए भाई ये तो। चलो गाइस यार ये तो यहाँ से निकल चुके हैं, और भाई फेक लेस्टर का तो भाई मेरे को सीन समझ में नहीं आया, वो तो अभी पता करना है फेक लेस्टर का सीन। तो चलो गाइस यार इसका तो कोई सीन हो ही नहीं पाया, तो भाई अभी ड्राइवर बोल रहा है कुछ कोई बात नहीं छोड़ इनको, अगली बार मिलेंगे ना तो इनको इतनी जल्दी से छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ये हमारे हाथ से निकल गए कोई दिक्कत नहीं है, इनको जाने दे कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार अगर मिले ना तो इनको छोड़ना नहीं है। तो यार गाइस अभी ना अभी मुझे क्या करना है, अभी जल्दी जल्दी मैं हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछ लेता हूँ लेस्टर की क्या अभी लेस्टर ठीक है या नहीं। तो क्या सर मैंने ना भाई अभी हॉस्पिटल में कॉल लगा के पूछ रहा हूँ भाई लेस्टर की क्या हालत है, तो अभी देखते हैं भाई लेस्टर के बारे में क्या बोलते हैं, मतलब वो थोड़ा डर भी लग रहा है भाई डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्योंकि लेस्टर को वो बोल भी रहा था डॉक्टर की लेस्टर का डर है वो कोमा में ना चला जाए। तो चलो गाइस अभी मैं पहले बात कर लेता हूँ। तो ओके गाइस यार भाई आज इतने दिनों बाद हमको एक खुशखबरी सुनने को मिली है, डॉक्टर बोल रहा है कि जो लेस्टर है ना वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, बस अभी 2-3 दिन का उसको बेड रेस्ट चाहिए जो कि वो हॉस्पिटल में रहेगा, 3 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज कर देंगे। तो भाई साहब ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है, तो भाई इसी खुशी में ना एक रेस करते हैं भाई, काफी टाइम हो गया गाइस आप लोग कमेंट भरते रहते हो मेरे को इंस्टाग्राम पे, इतने मैसेज करते हो कि मोहित भाई आप रेस ही नहीं करते हो, तो गाइस यार आज आपकी मैं बात मान रहा हूं। तो चलो गाइस इस वीडियो पे ना बस लाइक कर दो, अच्छे खासे लाइक करवा दो, अभी ना हम रेस की बात कर लेते हैं। तो चलो मैं गाइस अभी स्विच कर रहा हूँ फ्रैंकलिन पे, तो फ्रैंकलिन में स्विच करने के बाद डायरेक्ट हम निकलते हैं रेस के लिए, जो रेस होने वाली है बहुत तगड़ी होने वाली है। तो गाइस हम जो है फ्रैंकलिन पे स्विच कर चुके हैं, बट ये फ्रैंकलिन क्या कर रहा है, ओ भाई ये कर क्या, अबे फ्रैंकलिन ये तू क्या कर रहा है, ओ भाई ये डांस कर रहा है, भाई रुको भाई ये क्या भाई कभी तो बात तो कर यार, कम से कम गेट तो खड़का के करो ना यार, ये मैं क्या डांस कर रहा हूँ, अबे रुक जा भाई, जब घर पे आते हैं ना कम से कम गेट जो है ना वो खड़का के आते हैं, ऐसे नहीं तो सबको पता चल जाता है, ऐसे सीधा घर पे नहीं घुसते। अबे साले घर पे नहीं घुसते, तू कर क्या रहा था भाई, ये जो स्ट्रिप क्लब में लड़कियां डांस करती है ना मेरे को भी बड़ा मन करता है कि मैं ऐसा डांस करूं, पर आपने मेरे को देख लिया मैं अभी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचा। भाई क्यों कर रहा है यार फ्रैंकलिन ऐसे गंदे गंदे डांस क्यों करते है, तेरे को पता है हमने आज इतनी तगड़ी रेस करनी है। ओ मोहित भाई मेरे को पता है ट्रेवर और माइकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मुझे भी पता है, बट वो मेरे को अपने साथ ही नहीं लेते। साथ में क्यों लेंगे, जो तू ये काम करता है तू लगता है तेरे को कोई अच्छे काम के लिए हम तेरे को लेके जा सकते हैं। हां मोहित भाई सॉरी। अच्छा तेरे पास बाइक कौन सी है? मेरे पास तो मोहित भाई KTM है। चल सबसे पहले जल्दी जल्दी कपड़े पहन फिर चल यार रेस के लिए निकलते, तू बहुत गंदा है यार। मोहित भाई पहले कपड़े बदलने से पहले एक बात। हाँ बोल। ओए भाई प्लीज जो आपकी ऑडियंस है ना उनको ये डांस मत दिखाना, सब कमेंट सेक्शन में गंदा फ्रैंकलिन लिखेंगे प्लीज। चल ठीक है नहीं दिखाऊंगा, पक्का नहीं दिखाऊंगा। पक्का ना मोहित भाई? हाँ हाँ पक्का, चल कपड़े पहन। तो गाइस यार आप लोग प्लीज कमेंट में मत लिखना कि आप लोगों ने फ्रैंकलिन का डांस देख लिया था, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, बट आप लोग मत लिखना यार फ्रैंकलिन मेरे से गुस्सा हो जाएगा यार। तो ओके गाइस यार हमने ना फ्रैंकलिन के ये वाले कपड़े पहना दिए भाई, फ्रैंकलिन बड़ा अच्छा लग रहा है, बट गाइस प्लीज यार कमेंट में मत बताना फ्रैंकलिन तेरी बाइक कहाँ पे खड़ी है। अरे मोहित भाई यार आपको पता तो है ऊपर अपने पास गैराज है वहीं पे खड़ी होगी ना मोहित भाई, आप भी क्या यार। अच्छा ठीक है ना ज्यादा मत बना कर यार तू। चलो गाइस यार ऊपर ना हमारी एक बाइक खड़ी है, उस बाइक में बैठते फिर जल्दी जल्दी निकलते भाई रेस के लिए, जो कि आज बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेस होने वाली है। तो गाइस यार हम ना भाई मैं ये आ चुका मैं अपने गैराज पे, तो चलो गाइस मैं अपने गैराज के अंदर चलता हूँ, और ये रही अपनी KTM, तो चलो गाइस अपनी KTM लेके मैं जल्दी से निकलता हूँ। चलो गाइस अभी KTM लेके जल्दी से निकलता हूँ भाई, जहाँ पे हमारा ट्रेवर और माइकल दोनों वेट कर रहे हैं भाई, ट्रेवर के पास निंजा H2 आ रहा है और अपने माइकल के पास है भाई ट्रोन बाइक। तो चलो गाइस देखते हैं आज ट्रोन बाइक जीती है या KTM जीती है या फिर जीती है निंजा H2R। तो जल्दी से मैं निकलता हूँ गाइस, वहाँ पे वो हाईवे पे खड़ा है तो हाईवे पे जल्दी निकलते हैं, हाईवे पे जाके जहाँ पे हमारी जो रेस है वो शुरू होने वाली है। और गाइस आज की रेस जो इतनी लंबी और इतनी खतरनाक होगी ना कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे आज तक गाइस आप लोगों ने ऐसी रेस नहीं देखी होगी,
क्योंकि आज की रेस बहुत खतरनाक होने वाली है। पूरे लॉस सैंटोस में घूमने वाले हैं। आज इतनी ज्यादा लंबी रेस होने वाली है भाई, तीनों के तीनों रेडी हैं रेस के लिए। भाई अपने लेस्टर की भी इतनी बुरी हालत हो रखी है यार, वो भी जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद माइकल की फैमिली जो है ना वो भी छूट जाएगी, वो भी हमारा इतना बड़ा काम पड़ा है। और ये भाई फ्रैंकलिन को कोई चिंता ही नहीं है भाई, फ्रैंकलिन बट यार माइकल ही फ्रैंकलिन को साथ में ले रखता ही नहीं है भाई, पता नहीं क्यों। वो ट्रेवर को जो थोड़ा ज्यादा साथ रखता है। तो चलो गाइस हम जो आ चुके हैं भाई यहाँ पे हाईवे की तरफ, और हाईवे पे जाके भाई बहुत तगड़ी रेस होने वाली गाइस। आज की ऐसी रेस होने वाली है ना जो इससे पहले गाइस कभी आप लोगों ने नहीं देखी होगी, ऐसी रेस होने वाली। तो फ्रैंकलिन भी भाई बहुत चिढ़ा हुआ है। फ्रैंकलिन बोल रहा है ये तुम लोग मेरे को साथ में तो लेके नहीं जाते, बट आज मैं इनको रेस में हरा के ना साबित कर दूंगा कि मैं भी खतरनाक बंदा हूं। पर देखते हैं भाई ये खतरनाक है या क्या है। अबे यार ये कहां पे खड़े हैं, अबे यार ये है कहां पे भाई, मेरे को तो मिल ही नहीं रही है। एक सेकंड यार मुझे लग रहा है ना थोड़ा पीछे से जाके दोबारा आना पड़ेगा, मेरे को तो ये मिल ही नहीं रहे है भाई। इन्होंने मेरे को बुलाया तो ऐसे ही था, मतलब मेरे को बुला था कि ब्रिज के नीचे बैठे हैं, बट मेरे को मिल ही नहीं रहे भाई। तो चलो कोई बात नहीं गाइस हम यहाँ से देख लेते हैं अभी। चलो पहले मैं ना यहाँ से घूम के अंदर को जाता हूँ, फिर देखते हैं शायद वहीं पे थोड़ा आगे जाके वो रहे मुर्गे, मुझे लग रहा है हाँ भाई वो रहे। चलो गाइस ये रहे, इनकी बाइक्स तो यहीं पे खड़ी है, बट ये कहाँ पे दोनों के दोनों। ओ भाई 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 ये कर क्या रहे भाई सड़क के भाई साहब, ये कर क्या रहे भाई। माइकल पुशअप कर रहा है और अपना ट्रेवर सिटअप कर रहा है भाई, क्या भाई यार रेस है ये, क्या तुम लोग क्या जिमिंग विमिंग करने पड़े हो भाई। देख पा रहे भाई अपना माइकल पूरा लगा पड़ा है भाई, और से भाई ट्रेवर देखो पूरे दोनों के दोनों लगे पड़े हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को बताया तो हमारी रेस कहाँ से कहाँ तक होने वाली है। यहाँ से गाइज हमारी रेस खत्म होगी, पूरा मैप घूमते घुमाते गाइज यहाँ पे आके हमारी रेस जो है वो खत्म होने वाली। तो गाइज रेस देख लेते भाई आज की कैसे होने वाली और कौन जीतने वाला है। गाइस आज की ऐसी रेस होगी ना जो आपने इससे पहले रेस ये कभी नहीं देखी होगी। तो चलो गाइस मैं अपनी बाइक पे बैठता हूँ और ये भी अपनी बाइक पे बैठ जाते हैं, फिर कर लेते गाइस रेस की शुरुआत। तो गाइस तीनों के तीनों हम बैठ चुके हैं अपने बाइक्स पे, मैं बैठ चुका हूँ KTM पे, माइकल बैठ चुका है ट्रॉन बाइक पे, और ट्रेवर बैठ चुका है अपने निंजा S2R में। तो चलो गाइस कर लेते हैं इस रेस की शुरुआत, 3 2 1। तो सर हम जो है ना भाई रेस में आगे निकल चुके हैं। ये देखो गाइस भाई भाई मार रहा है भाई बाहर, भाई माइकल मार रहा है तेरी ऐसी की जैसी भाई माइकल, भाई पीछे से देखो गाइस गोली मारी माइकल ने। अभी इनको ना गाइस जैसे तैसे करके मुझे हराना ही पड़ेगा। और ये गाइस मेरे पीछे आ रहे और माइकल आगे निकलता हूं तेरी, माइकल निकल के दिखा भाई इसके भी गन मारूंगा भाई। वो जा रहा है माइकल तेरी ऐसी की जैसी, अबे अबे टक्कर मार रहा है भाई ड्राइवर, टक्कर मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं गाइस हमको जो है ना भाई यहां से आगे निकलना। और ट्रैफिक भाई सब कितना ज्यादा ट्रैफिक है। और चलो गाइस हम जो है ना भाई यहाँ पे आ चुके हैं, और चलो गाइस हम ना भाई अभी पहले नंबर पे चल रहे हैं और पीछे ही सबके सब पीछे ही आ रहे हैं। तो चलो गाइस यार हम ना भाई चलते चलते काफी ज्यादा दूर तक आ चुके हैं। और ये भाई देख पा रहे हो गाइस एक दूसरे को गोलियां मारते हुए जा रहे हैं। और ये देखो भाई माइकल देख पा रहे हो भाई कैसे चलता जा रहा है तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई साहब माइकल तो आज पागलों की तरह गाड़ी चला अपनी बाइक चला रहा है। कोई बात नहीं भाई हम जो है ना वो इस रेस को आराम से जीतेंगे क्योंकि हमारे पास भाई KTM है ना भाई KTM। और गाइस आप देख पा रहे हो भाई कितना ही मजा आ रहा है KTM से गाड़ी, मतलब KTM चलाने का अलग ही मजा है यार। गाइस हम चलते जा भाई 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 मार रहा है माइकल तेरी ऐसी की तैसी, भाई माइकल तो मेरे को मारने पे लगा पड़ा है तुम्हारी ऐसी की तैसी, भाई साहब तेरी ऐसी की तैसी, मैं भी किसी को छोड़ने नहीं वाला। अबे ये गाड़ियां वाड़ी तेरी ऐसी की तैसी, माइकल चल पीछे निकल कोई दिक्कत नहीं है भाई। माइकल और ट्रेवर भाई दोनों मेरे को ही मारने को लगे पड़े हैं भाई। कोई बात नहीं गाइस हम जो है ना भाई इससे आगे निकल के दिखाएंगे। अबे ओए ओए तेरी भाई बच गया। तो चलो गाइस भाई एक दूसरे को मारते जा रहे हैं भाई। ट्रेवर ने जो है ना आज माइकल के कपड़े पहन लिए भाई, भाई वो बोल रहा है कि मैं जैसे इनको पहचान ही ना पाऊं। अबे ओए ओए भाई 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 तेरी ऐसी की तैसी, ये क्या कर दिया इसने तुम्हारी ऐसी की तैसी, भाई मेरे को दिखना बंद हो गया एकदम से। अबे कोई बात नहीं गाइस, अबे ये अलग ही टाइप के पंखे भाई साहब। अबे ओए 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 भाई पहली बार ऐसी रेस देखी है भाई, क्या ही पंखे हो रहे इसके अंदर तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई, ये मेरे को आगे नहीं निकलने देंगे भाई। आपस में लड़ते जा रहे हैं भाई, वो देखो गाइस एक दूसरे को मारते हुए ही जा रहे हैं भाई। कैसे भाई यहाँ पे तो पूरी आग वाग लगा दी है भाई, मैं बच के रहूंगा गाइस भाई ये मेरे को ही ना मार दे। चलो गाइस कोई बात नहीं हम आगे निकल चुके हैं, माइकल से आगे निकल चुके हैं। अबे ओए 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 भाई ये क्या हो रहा है भाई, किस टाइप की स्पीड आज रेस चल रही है। तो चलो गाइस अभी चलते चलते हम काफी ज्यादा दूर तक आ चुके हैं और मुझे लग रहा है मैं ही अभी फर्स्ट नंबर पे हूँ। अभी वो देखो गाइस पीछे ही आ रहा है और ट्रैफिक इतना ज्यादा है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। कोई दिक्कत नहीं है बाकी फिर भी हम आगे निकल ही जाएंगे। और गाइस देखो ये मेरे को ना पीछे से RPG से मार रहे हैं और तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये देखो भाई बीच में ना ये लॉस गैंग के बंदे भी आ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं इनको भी मारेंगे भाई, किसी को छोड़ने नहीं वाले।
और ये देखो गाइस क्या ही सीन हो रहा है भाई, पीछे से आरपीजी मार रहे हैं भाई, रेस हो रही है भाई। भाई माइकल जो है ना वो मेरे से फिर से आगे निकल गया भाई। माइकल की तेरी ऐसी की तैसी, माइकल को छोड़ना नहीं है भाई। माइकल इतनी तेजी से अपनी बाइक भगाता है ना, क्या ही बोलूं भाई। अभी देखते हो गाइस माइकल को जैसे तैसे और उसके पीछे करते हैं। और ये देखो गाइस बीच में क्या क्या छोड़ा जा रहा है भाई। अबे यार ये ट्रेवर भी आगे निकल गया अब तो फिर से भाई साहब, अगर तो मैं तीसरे नंबर पे आ चुका हूँ। और ये गया भाई माइकल। अबे ओए ओए भाई भाई फिर से क्यों कर रहे हो भाई ये सब कुछ भाई साहब। गाड़ियां वाड़ियां सब भाई सब, ओए 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 नहीं 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 तेरी ऐसी की तैसी भाई साहब। ये युद्ध का मैदान बना के रखा हुआ है तुमने, है रेस है भाई ये, क्या कर क्या रहे हैं ये, पागल वागल हो गए क्या। तो चलो गाइस अब अपनी बाइक भगाते भगाते काफी ज्यादा दूर तक आ चुके हैं। और ये गाइस देख रहे हो भाई क्या कुछ छोड़ रहे हैं मेरे पे भाई, ये तो मेरे से इतनी गंदी दुश्मनी निकाल रहे हैं, मैंने पता नहीं इनका क्या बिगाड़ दिया। चलो गाइस मैं इनसे अपनी बाइक भगाते भगाते काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ और ये आपस में लड़ते जा रहे हैं। और ये वाली रेस ना मुझे लग रहा है गाइस आज तक की सबसे बेस्ट रेस होगी। जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ गाइस ये वाली रेस आपको लोगों को कैसी लगी भाई, बहुत ही खतरनाक टाइप का मजा आ रहा है इस रेस में। अभी तो हमको बहुत आगे तक जाना है और ये बाइक तो बिल्कुल भी भाग ही नहीं रही है, मतलब यार धीरे कर दिया अभी इन्होंने, इतनी ज्यादा इन्होंने गोलीबारी की भाई, इतनी ज्यादा धीरे हो गई हमारी बाइक। पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे लग रहा है मैं इस वाली रेस को जीत जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एयरपोर्ट पे हमको सबसे पहले पहुंचना, जो बंदा एयरपोर्ट पे पहले पहुंच जाएगा वो ही इस रेस को जीत जाएगा। चलो गाइस हम अपनी बाइक भगाते भगाते काफी ज्यादा दूर तक आ चुके, 5 किलोमीटर की रेस रह गई, अभी कुछ नहीं पता कौन जीतने वाला है। पीछे अभी भी मेरा वो पीछे करते ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम आगे निकलेंगे। चलो गाइस मैं हो सके ना थोड़ा सा इनका वेट कर लेता हूँ। तो चलो गाइस यार ड्राइवर जो है ना वो मेरे से बिल्कुल एकदम से आगे निकल गया भाई, चलता जा। अबे 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 भाई 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 ये मुझे लग रहा है ट्रेवर और भाई माइकल दोनों का ही काम है भाई, एक दूसरे को मारते जा रहे हैं। वो जा रहा है भाई ट्रेवर एकदम से आगे जा रहा है अभी, ये देखो गाइस कैसे 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 क्या क्या कर रहे हैं ट्रेवर। कोई बात नहीं गाइस कोई बात नहीं, हम जो है ना भाई सर्वाइव करके जाएंगे जैसे तैसे मर्जी करके। भाई ये देखो गाइस क्या कर रहा है ट्रेवर, तेरी ऐसी की तैसी ट्रेवर, तेरे को तो मैं बताता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम जो है ना भाई वो ड्राइवर पीछे रह गया। तो चलो गाइस हम जो है ना वो एकदम से आगे आ चुके हैं भाई, ड्राइवर मेरे को मारने पे लगा हुआ था। कहते हैं ना गाइस जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है ना वो खुद ही उस खड्डे में गिर जाता है भाई, आज तो यार यही बात सच्ची हो गई भाई। ड्राइवर देख पा रहे भाई बिल्कुल पीछे ही रह गया मेरे को मारने के चक्कर में। और देखो गाइस मेरे पे फिर से अटैक कर रहे हैं ड्राइवर भाई, ये रेस है भाई, इन्होंने तो भाई ऐसे बना रखा है जैसे बस खत्म ही कर देना है एक दूसरे को। तो चलो यार कोई बात नहीं भाई, आज ना बस जल्दी जल्दी वहाँ पे निकलते अपने, बस अपन को ना बस सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करनी है, समझ जाओ हम ये रेस जीत गए भाई, हम तो काफ़ी ज़्यादा आ गए। और गाइस मेरे को जल्दी से बताओ आपकी बेस्ट बाइक कौन सी है, KTM, हायाबुसा या फिर ट्रॉन बाइक। जल्दी जल्दी जाओ यार कमेंट में, जल्दी जल्दी भर भर के बता दो भाई कौन सी आपकी बेस्ट बाइक है। तो चलो गाइस यार मैं अपनी बाइक भगाता भगाता भाई काफ़ी ज़्यादा दूर तक आ चुका हूँ। और गाइस मुझे लग रहा ना ये वाली रेस जो है ना वो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि यार भाई मैं अभी तो इनसे बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। अभी मेरे को सीधा जाना है एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट तो अभी बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब अभी भी पड़ा है भाई। और भाई आज मेरी बाइक को इन्होंने इतना नुकसान पहुँचाया, अभी मेरी बाइक जो है ना वो बिल्कुल चल ही नहीं रही। अबे तेरी ऐसी की तैसी भाई साहब, ये आगे क्या कर दिया इसने। कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो है ना ये वाली रेस तो हम ही जीत के रहेंगे। और चलो गाइस यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता हम इधर को टाल लेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट जो है ना वो थोड़ा सा इधर को रह गया है और ये दोनों आगे निकल चुके हैं भाई। मुझे पक्का पता है या तो मैं हारूंगा या ये हारेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोशिश हमारी पूरी जारी है, हमको एयरपोर्ट के अंदर जाना है। मुझे लग रहा है शॉर्टकट में ही मैं निकल जाऊंगा, बाकी ये दोनों भाई मेरे से आगे ही ना निकल गए हूँ, बाकी वहाँ पे जाके ही पता चलेगा भाई कौन जीता है कौन नहीं। एयरपोर्ट के गेट तक हम पहुंचने वाले हैं, 1 किलोमीटर रह गया गाइस, अभी तक कोई पता नहीं है कौन जीतने वाला कौन नहीं। भाई मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा कुछ ना कुछ सीन करना पड़ेगा एयरपोर्ट तक पहले पहुंचने के लिए, क्योंकि भाई अभी एयरपोर्ट तो आ चुका है भाई। मेरे को ना यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाना, मुझे लग रहा ना भाई मेरे से वो घूम गए हैं और मुझे लग रहा है ना वो जीत ही ना जाए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जीतने नहीं चाहिए हमसे, ठीक है, जीतना तो सिर्फ हमको ही है भाई। ये देखो लड़ने की आवाज़ें आ रही है भाई, लड़ रहे हैं वो आपस में, वो देखो गाइस अभी बम फूटने की आवाज़ें आ रही। कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है ना भाई एयरपोर्ट तक पहुंच चुके हैं, बस मेरे को सीधा नीचे उतरना है। नीचे उतरते ही हमारा एयरपोर्ट जो है वो आ चुका है। तो चलो गाइस हम जो है भाई वो एयरपोर्ट के बिल्कुल जाके रास्ते में खड़े हो जाएंगे, मतलब जो एंट्री है ना एंट्री वाला गेट वहाँ पे जाके खड़े हो जाएंगे। तो वहाँ पे जाके भाई एकदम से आराम से हम जीत जाएंगे, बाकी देखते हैं भाई अगर हमारे पहले ही कोई पहुँचा हुआ तो भाई कुछ नहीं बोल सकते, अगर हम पहुँच गए पहले तो भाई मज़ेदार ही सीन होने वाला है। तो चलो गाइस हम जो है ना भाई यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये आ चुका है गेट। मुझे लग रहा है मैं इस रेस को जीत चुका हूँ, बाकी पता नहीं है कोई अंदर पहले ना पहुँच गया हूँ।
बाकी देखते हैं। ये वाले गेट पे हम खड़े हो चुके हैं भाई। ये तो अंदर पहले पहुंचे बैठे। अबे मत बोलियो कि जीत गई है। ओ भाई ये तो पहले जीत गया भाई। ड्राइवर तो पहले जीत गया भाई साहब। यार हमने ये वाली रेस हार गए भाई। और माइकल कहाँ है भाई? आज माइकल कहाँ रह गया भाई? अब आ चुका है माइकल। तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई, एक दूसरे को मारने पे लगे पड़े हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी, सब ने वेस्ट पहन रखा फिर भी लड़ाई करने को लगे पड़े भाई सबके सब। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई क्या कर रहा है ये? सब ने वेस्ट पहन रखी है भाई, किसी को कुछ नहीं होने वाला। और भाई देखो माइकल देख रहे हो क्या कर रहा है। तो चलो गाइस यार करते हैं गाइस इस वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक बता देना, वीडियो अच्छे से कमेंट भी कर देना, वीडियो को दबा के शेयर भी कर देना, मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। डिस्कॉर्ड और इंस्टा दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिल जाएगा ऐसी तगड़ी धमाकेदार वीडियो से। तब तक के लिए गुड बाय।